हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के छोटा सा सेक्शन हम डायनोफ्लैजिलेट अलग कर दे रहे हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स को देखते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स से चालू करें तो सबसे पहले डायनोफ्लैजिलेट्स में आपको याद रखना चाहिए उसका हैबिटेट। हैबिटेट ऑफ डायनोफ्लैजिलेट इज मराइन। ये ध्यान रहे, पहला यूनिट आपका जितना है, बेसिकली आपकी एनसीईआरटी की जितनी लाइनें हैं, जितना डिटेल है, वो सारा याद रहना चाहिए, क्योंकि पहला यूनिट जो है दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ फैक्चुअल यूनिट। जो दिया हुआ है आपको सवाल उसी से आएगा, ज़्यादा ट्विस्ट नहीं होते उसके सवाल, इसलिए ध्यान रहे कि आपको लाइन बाय लाइन आपको पूरी याद होनी चाहिए। तो डायनोफ्लैजिलेट में हैबिटेट जो रहता है बेसिकली वो आपको याद रखना है मराइन। देन याद रखना है इनके सेकेंड एंगल के ऊपर दैट इज देयर अपीयरेंस। तो कैसे दिखते हैं, पीले भी होते हैं, हरे भी होते हैं, भूरे भी होते हैं, भूरे लाल, तो ब्राउन भी होते हैं, रेड भी होते हैं और नीले भी होते हैं। हरा पीला नीला भूरे लाल, आप याद रखिए, हरा पीला नीला भूरे लाल याद रखिए। देन बेसिकली चूंकि नए बुक्स में डायग्राम भी आया है, डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के। अभी ध्यान रहे कि बाहर हम बनाएंगे, इस पे क्या क्या याद रखना रहेगा, या आप ऐसा कर लें, ये कर लें। ठीक, क्या है बाहर के सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, ठीक है। ये पूरा बाहर जो दिख रहा है ये सेल वॉल है, तो सेल वॉल, सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल के आउटर सरफेस पे स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स हैं। ये देख बिल्कुल ध्यान रखिए, ये डायरेक्ट जो लाइन घुमाई जाती है वो यहीं से घुमाई जाती है। तो आउटर सेल वॉल के आउटर सरफेस पे जो सेल वॉल है उस पे स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स प्रेजेंट रहते हैं। दूसरी चीज, बॉडी कुछ ऐसी बनी है कि एक्चुअली बीच के पार्ट में जहां प्लेट के बीच पे गैप्स आ जाता है, तो एक्चुअली ये पोर्शन जो रहता है, एक्चुअली ये फरो का पोर्शन रहता है। ठीक, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है मोटिलिटी पे, मोटिलिटी पे कि इनके पास मोटिलिटी के तौर के, मोटिलिटी के लिए दो फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, एक एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडिनल और एक फ्लैजिला ट्रांसवर्स रहता है, ट्रांसवर्स इन फरो। देखिए इस पर तो निकाला जाए और बिल्कुल ये लिया जाए तो एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल आ गया और एक फ्लैजिला जो रहता है बेसिकली ये ट्रांसवर्स रहता है फरो में। क्लियर, तो दो बाईफ्लैजिलेटेड है ये। ठीक, अगली चीज इनकी ध्यान रखनी चाहिए जो दिया हुआ है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ध्यान रहे फोटोसिंथेटिक, ये ध्यान रहना चाहिए। ये प्लैंकटन के पार्ट होते हैं डायटम्स के साथ, जो कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। डायनोफ्लैजिलेट की बात आती है, सिग्निफिकेंस हमको ध्यान रखना चाहिए। दो सिग्निफिकेंस है, पहला है रेड टाइल, लाल कलर का जो गोनियोलेक्स है उसका एग्जांपल है गोनियोल, लाल कलर का जो है डायनोफ्लैजिलेट दैट इज गोनियोलेक्स। तो रेड टाइड एक्चुअली क्या होता है, जब फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होती है तो ये जो गोनियोलेक्स होता है Which is a red dinoflagellate. ये basically क्या करता है? Favorable environmental condition में rapid multiplication करवाता है। और rapid multiplication के कारण basically समुद्र की जो लहरें रहती है, ये भी ध्यान रहे कि dinoflagellate के साथ एक बहुत important सा चीज़ है जो कि mentioned नहीं है NCERT में, that is the phenomenon of bioluminescence. Bioluminescence आप अपनी किताब में दो जगह पर खास आपको याद रहना चाहिए, हालांकि वो एक जगह दिया है एक जगह नहीं दिया है। टिनोफोरा के साथ आपको बायोल्यूमिनेसेंस लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन डायनोफ्लैजिलेट के साथ नहीं मिलता। तो सिंस दे आर बेसिकली रेड कलर, जब ये रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं नंबर अपना बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, बेसिकली एक सबसे बड़ा यूनिक फिनोमिना जो हमको मिलेगा दैट विल बी द रेड टाइड। क्लियर, तो
तो रेड टाइड किसके साथ एसोसिएटेड है? डायनोफ्लैजेलेट के साथ। एनसीईआरटी का पेज पलटाएंगे, पीछे एक्सरसाइज दी हुई है, आपको वहां से भी ध्यान होना चाहिए। दो चीजों के बीच में डिफरेंस पूछा है, अल्गल ब्लूम और रेड टाइड। रेड टाइड इज एक्चुअली ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लीकेशन इन द फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन बाय अ रेड डायनोफ्लैजेलेट, दैट गिव्स द अपीयरेंस ऑफ द रेड टाइड। अल्गल ब्लूम जो है दैट इज एक्चुअली द साइनोबैक्टीरिया का रैपिड मल्टीप्लीकेशन इन अ पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। तो पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में साइनोबैक्टीरिया का या ब्लू ग्रीन एल्गीज का या प्लैंक्टोनिक एल्गी का जो रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है दैट रिफर्स टू द अल्गल ब्लूम, वेयर एज द बेसिकली रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ गोनियोलेक्स अंडर द फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन इज रेड टाइड। और दूसरा सिग्निफिकेंस एक आता है, कहा गया है कि एक्चुअली ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और ये टॉक्सिन जो रहते हैं बहुत सारे दूसरे मराइन एनिमल्स को मार देता है। अब ये ध्यान दे कि एक्चुअली खेल क्या है इस पे, हम ज्यादा इस पे डिटेल की बात नहीं करेंगे, हमको ध्यान रखना है ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, दे रिलीज टॉक्सिन्स, क्लियर। नाम ना याद रखे तो भी चलेगा, और जिनको नाम याद रखना है वो भी ध्यान रखे कि ये टॉक्सिन का नाम रहता है सेक्सी टॉक्सिन, ठीक। प्रोनाउंसिएशन क्लियर रखे, दिस इज नॉट कि आप पढ़ते हुए कि बेसिकली आप पढ़ते हुए हो सकता है बोल दे कि सेक्सी टॉक्सिन है, दिस नॉट अ सेक्सी टॉक्सिन, दिस इज अ सेक्सी टॉक्सिन, ठीक। तो होगा क्या कि जब नंबर इंक्रीज करेंगे ये सेक्सी टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और ये जो सेक्सी टॉक्सिन रहता है बेसिकली ये क्या करता है, मराइन जितने एनिमल्स रहते हैं इनको पैरालाइज कर देता है। इस पे बहुत नोटेबल जो है दैट इज द डेथ ऑफ फिशेस। इस पे सवाल जब होता तो ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ये जोड़ के कैसे बनेगा, इससे बड़ा नोटेबल जो फिनोमिना नोटेड है दैट इज पैरालाइटिक शेल फिश पॉइजनिंग पीएसपी, क्लियर है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, अब बेसिकली लास्ट कंसाइज अपन करते हैं। डायनोफ्लैजेलेट बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर सब हम कई बार क्या होता है कि हम सारी चीज पढ़ लेते हैं और हमको बेसिक ही हम भूल जाते हैं, इसलिए ध्यान रहे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, हैबिटेट मराइन है, अपीयरेंस में हरा पीला नीला होगा और भूरे लाल होंगे। स्ट्रक्चर वाइज हम देखते हैं, तो स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो सेल वॉल की बाहरी सरफेस जो है उस पर स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स प्रेजेंट रहते हैं। बॉडी कुछ ऐसा होता है कि जो प्लेट्स रहती है वो जाकर के लॉक होती है, सेंट्रल पोर्शन छोड़ करके वहां पर बनता है फरो। बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, दो फ्लैजिला, एक लॉन्जिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स है, एक लॉन्जिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स जो रहता है वो फरो में प्रेजेंट रहता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमको याद रखना है फोटोसिंथेटिक है। दो सिग्निफिकेंस हमको ध्यान रखना है कि एक्चुअली गोनियोलक्स जो है एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना बायोल्यूमिनेसेंस उसके साथ जुड़ा हुआ है, ना भी याद रहे गोनियोलक्स फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में अपने नंबर बढ़ाएगा, रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, दैट गिव्स टू एन यूनिक अपीयरेंस ऑफ रेड टाइड। और दूसरा, इनमें से कई मेंबर ऐसे टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं जो दूसरे मराइन एनिमल को पैरालाइज करवाते हैं, उनको मार देते हैं, खासतौर पर डेथ ऑफ फिशेज इससे नोटेड है। जो ऑप्शन के लिए ध्यान रखना है कि ऐसा कोई ऑप्शन कहीं पर दिखे क्या, पैरालाइटिक सेलफिश पॉइजनिंग इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये हुआ डायनोफ्लैजेलेट। हम प्रोटिस्टा के आगे के सेक्शन में हम इसको और तोड़ करके बाकी मेंबर्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, और बेसिकली आप हमारे साथ बने रहिए। छोटे छोटे वीडियोस से हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि इन एक से डेढ़ महीनों में हम एक बार एनसीईआरटी जो है पूरी कवर कर ले और रिवाइज कर ले, फिर हम इस बीच बीच में हम क्वेश्चन के सेशंस भी इस पे ऑर्गेनाइज कराएंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि इसको रूल आउट कैसे करना है। थैंक्स अ लॉट।